ये देखिए, ये हमारे कॉलेज का फ्रंट हॉस्टल है। यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ लाइब्रेरी भी है, साथ ही ये बिल्डिंग दिख रही है आपको। पीछे अच्छे खासे पेड़ और नीचे खूब हरी हरी घास देख सकते हैं। किस तरह ये हॉस्टल कैंपस है, यहाँ पर ये MRI की ट्रेनिंग होती है। और आप देख सकते हैं ये गेट है, उस तरफ हमारा हॉस्टल है, इस तरफ गर्ल्स का हॉस्टल है। हम लोग बढ़िया टहलते हुए निकले हैं बढ़िया मॉर्निंग वॉक पे। देख सकते हैं आप पीछे कितना बढ़िया सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए कुछ नई वैरायटी के फूल देख सकते हैं आप, किस तरह यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैरायटी के फूल देख सकते हैं। ये क्या है, ये देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, ये देखिए करीब से कौन सा फूल है भाई ये है? बहुत खतरनाक लग रहा है यार, ये तो डरावना भी है काफी। देखो इसको, देखो करीब से देखते हैं कौन सा फूल है भाई ये, देखो कौन सा फूल है, बता सकते हैं आप लोग, कहीं देखा हो तो बताइए कौन सा फूल है, क्या नाम है। फिलहाल हम तो नहीं जानते, बस पेड़ कुछ इस तरह है और इसमें डरावने डरावने फूल लग रहे हैं आपको। और चलते हैं हम आपको आगे की तरफ, और भी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये देखिए ये कोई फूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से फ्लावर है, इनका सारा नाम वगैरह आप देख सकते हैं। इसमें फिलहाल तो खुशबू नहीं, लेकिन अच्छा है। फूलों का बाग लग रहा है, चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूल आप देख सकते हैं। कितना बढ़िया सुहाना मौसम आप नज़र आ रहा है। ये येलो कलर के कुछ ड्रैगन दांत निकलते हुए फ्लावर देख सकते हैं आप, कितने डरावने हैं। और ये देखिए ये कौन सा प्लांट है, महोगनी। ये देखिए ये अशोक का पेड़ लगा हुआ है। और ये देखिए आगे आपको ले चलते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट्स। इसके अलावा ये कुछ नए फ्लावर आप देख सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए हैं, कितने हैं बढ़िया मनमोहक दृश्य। ये देखिए, ये देखते रहिए, पीछे काफ़ी बड़ा गार्डन है। और यहाँ देखिए ये हॉस्टल का लॉन एरिया है, यहाँ नीचे घास लगी हुई है और ऊपर हॉस्टल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया हम लोग घास में पैदल टहल रहे हैं, बढ़िया नंगे पैर घास में घूमते हुए। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पेश है एक नया फ्लावर जिसको आप बोलते हैं खुशबूदार प्लांट्स। ये क्या खुशबू है भाई, मज़ा आ गया। ये है मोगरा, मोगरा की खुशबू आप देख सकते हैं, मोगरा का प्लांट लगा हुआ है पीछे। ये बहुत ही खुशबूदार और प्राकृतिक नेचुरल खुशबू आप देख सकते हैं इसकी, वाह मज़ा आ गया। गजब की खुशबू है मोगरा प्लांट की। तो हम लोग आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ का नए नए प्लांट्स और भी बहुत कुछ। चलिए ले चलते हैं। देखिए पेश है वाइट फ्लावर, ये देख रहे हैं आप किस तरह वाइट फ्लावर। ये रेड फ्लावर इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं वाइट फ्लावर। ये है वाइट फ्लावर, ढेर सारे वाइट फ्लावर लगे हुए हैं। चलते हैं आगे की तरफ, ये कैंपस एरिया है, ये देख सकते हैं पीछे ये लॉन बनी हुई है। और ये चौराहा टाइप का बढ़िया हरी भरी घास, देखो हम लोग ऐसे इसी घास में नंगे पैर टहलते हुए बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये भी यहाँ पर कुछ नए वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, हरा हरा एकदम ग्रीन भी। बहुत ही मेहनत मशक्क़त से पेड़ लगाए हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे पेड़ हमारे भाई फोटो ले रहे हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया लॉन है,
बिल्कुल हमारे कैंपस के सामने, बहुत बड़ा कम से कम 5-6 बीघे में भरा हुआ है। ये देखिए जीवी के MRI भी यहाँ पर लिखा मिलेगा, देख सकते हैं जीवी के विद्यालय। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है जीवी के विद्यालय, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ये जीवी के MRI ये लिखा हुआ है। सुबह सुबह हम लोग टहलने निकले हुए हैं, ये टहलते हुए सारी चीज़ें वन बाय वन आपको दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए पीछे और भी एक सुंदर गार्डन, ये देखिए ये पीछे लिखा हुआ जीवी के MRI, और यहाँ पर ये MRI सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स। हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ दीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए, समझदार है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंपस का फ्रंट एरिया है, यहाँ पर आपको लैब वगैरह और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए कुछ नए प्लांट आप दिखा रहे हैं, ये लगे हुए नए प्लांट सारे के सारे, बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी हुई है, इसको देख लीजिए क्या एकदम ऐसा लग रहा, पपीता का पत्ता लगा, पपीता नहीं कुछ और ये लग रहे हैं इसके प्लांट लगे हुए, अब फूल फ्लावर के प्लांट हैं फिलहाल, देखते हैं और इसके अलावा और क्या क्या है, सारी चीज़ें हम वन बाई वन दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये कुछ फूल, देखिए कुछ नए डिफरेंट अलग वैरायटी के फूल आप देख सकते हैं। ये देख ये है फ्लावर, कितना प्यारा प्यारा, ये नए फ्लावर है, इसका डिज़ाइन कुछ फर्स्ट टाइम है, ये तो आप पहले देख चुके हैं। इसके अलावा ऊपर लगे हुए हैं वाइट फ्लावर, वो काफ़ी ऊंचाई पे है, इसको हम ऐसे हैंड टू हैंड, ये देखिए ये लगे हुए हैं बोतल बाम फ्लावर है, फ्लावर क्या है, ये बोतल बाम का पेड़ है, इसलिए देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम जंगल भी देख सकते हैं, पीछे काफ़ी बड़ा जंगल है, वो हमारे हॉस्टल के पीछे है, ये तो कॉलेज का लॉन एरिया है, ये देख सकते हैं आप। ये हम इधर से आए हैं अपने हॉस्टल से, हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये हमारी ग्रीन कलर की नेट लगी हुई है, हॉस्टल की मैस है ये मैस, यहाँ पे हम लोग दोपहर में और इवनिंग में खाना खाने आते हैं। ये मैस का बढ़िया वो है गेट, यहाँ बढ़िया एकदम नेचुरल एकदम वाटर कूलर लगा हुआ है, साथ ही हैंड वॉश करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें मैस को हम दिखा चुके हैं। अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, देखिए ये देखिए कितना बड़ा सा ये पार्क सा लग रहा है, लेकिन वहाँ घास काफ़ी बड़ी है, इसको पार्क भी नहीं बोल सकते हैं फिलहाल। ये देखिए आगे और ये ओल्ड बिल्डिंग है, जहाँ हम लोग रहते हैं वो न्यू बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, इसमें टाटा के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है, और इसके डायरेक्टर का नाम फिलहाल हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये सुना है कि ये हमारा ये जो EMT और भी बहुत सारे जैसे कि मेडिकल पुलिस और इन सब की ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है। ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी हुई है, ये GVK की एम्बुलेंस गाड़ी है, ये ट्रेनिंग और कई चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, वो सब देखने को मिलेगी। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पेड़ लग गए हैं, हरा भरा एकदम सुंदर बगीचा सा लग रहा है, कितना बढ़िया। अभी चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको क्या चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसमें तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी घास लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, बस घास ही घास लगी हुई है और
कुछ इस तरह नज़र आ रहा है व्यू, बैक व्यू। वहाँ पे भी जीवी के MRI कुछ लिखा हुआ है। और ये बस खड़ी है, मोबाइल हेल्थ यूनिट, ये मोबाइल हेल्थ यूनिट गाड़ी खड़ी हुई है। और इसके अलावा हम आगे की तरफ चलते हैं और भी दिखाते हैं। यहाँ पर बेकरी की शॉप भी सामने नज़र आ रही है, ये देखिए वो भी बेकरी शॉप, गेट देख सकते हैं। चल ये आ गए हैं हम लोग कैंपस गेट के बाहर, ये देख सकते हैं पीछे एम्बुलेंस चल रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर लंबी लंबी कॉलोनी सी अब नज़र आ सकती है पीछे। बढ़िया से हम लोग घूम रहे हैं पूरा कैंपस एरिया है और जगह का मुआयना कर रहे हैं, कहाँ कौन सी जगह है वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते जा रहे हैं वन बाई वन। इसके बाद हम लोग ये देखिए आगे एक फिर चौराहा आ गया, काफ़ी बड़ा एरिया है, कम से कम 3-4 किलोमीटर में बसा हुआ है। ये देखिए पीछे चौराहा आ गया और हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अरे निर्मल भैया जल्दी आओ, ये देखिए हम लोग अपने मित्र के साथ टहलते घूमते बढ़िया मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए ये पेड़ देखिए, डिफरेंट वैरायटी के पेड़ देख सकते हैं।